बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट अब कल आने वाला है। दरअसल एक एक करके सारी पार्टियां अपनी तरफ से बता रही हैं कि वो क्या करने वाली हैं। नीतीश कुमार की तरफ से उनके साथ दृढ़ निश्चय सामने आ चुके थे, आरजेडी की बात हो चुकी थी, चिराग पासवान मीडिया के सामने आ चुके थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कल अपना ये विजन डॉक्यूमेंट देना चाहती है, कल वो पेश करेगी। अंजना, आप राघोपुर में हमारे साथ लगातार इस बुलेटिन में जुड़ी रहेंगी, और राघोपुर में जो चर्चा अभी राजतिलक में होगी, उससे पहले बीजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ा वो है कि किस तरह की चीजें आप सत्ता में रहे हैं। हालांकि इस बार के आधे आधे आधी हम समझ लें कि पिछला गठबंधन अलग और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू वापस, आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, उसे भी मालूम है कि राष्ट्रीय तौर पर एक आक्रोश उस रोजगार को लेकर भी हो जाता है। राघोपुर में ग्राउंड पर क्या कह रही है? मौजूद है और देखिए यहाँ पर किस तरह से अभी से बवाल शुरू हो गया है। बहुत मुश्किल है अभी शो को करना, लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर रहेगी कि बीजेपी किस तरह से अपने विजन डॉक्यूमेंट को लाती है। इससे पहले भी नीतीश कुमार हमेशा निश्चय की बात करते रहे कि ये मेरा 7 निश्चय है जिसको मैं पूरा करूंगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव प्रण पत्र लेकर आते हैं कि ये मेरा प्रण है, मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं युवाओं के लिए ये करूंगा, मैं शिक्षा में 22% खर्च करूंगा, तमाम बातें कहते हैं। अब बीजेपी इससे आगे बढ़कर क्या सामने रखवाती है, क्या लाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। पलायन नहीं रो सकता, महंगाई कम नहीं कर सकता, सबको पक्का मकान नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, तो वो अगला 5 साल में भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ कानून का राज नहीं था, जंगल राज था, लोग तकलीफ में थे। परिवार में एक रोजगार, 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगा। आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी कार्य दो, सबको दे दो, पैसा कहाँ से लाओ? इसके चलते अंदर का होगा। ए सर, सुनिए ना, नौकरी आने वाला है। कब? जब तेजस्वी जीतेंगे, उनका सरकार बनेगा। ऐसा हम नहीं तेजस्वी कहते हैं, तेजस्वी तो कहते हैं कि वो आएंगे तो नौकरी बरसाएंगे। एक दुठो नहीं, 150,000 भी नहीं, लाख भी नहीं, पूरे 10 लाख। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे 10 लाख रोजगार। सोचो, एक परिवार में एक रोजगार, 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव ने उस दुखती रख पर हाथ रख दिया है जिसकी तड़प बिहार के युवाओं को बिहार की सरहद से दूर कहीं दिल्ली बम्बई खींच ले जाती है। जाहिर सी बात है कि युवाओं को रोजगार दिलाकर सरकार बनाने का सपना तेजस्वी यादव भी देख ही रहे हैं, और ये भी सही है कि तेजस्वी का वादा नीतीश को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो बिफर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वादा तो कर लिए भतीजे, मगर पैसा कहाँ से लाओगे? हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा, कहाँ से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा, क्या मिलेगा? ये जलने से आएगा, कहाँ से आएगा? अच्छा, तेजस्वी तो मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में वही सर्वे सर्वा हैं, उन्हें पक्का यकीन है कि अब की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, उन्हीं के पास रहेगी। यही लिए नीतीश के सवालों पर पलटवार करने में तेजस्वी ने सेकंड भर की देर नहीं की। नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपये? अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो नीतीश को भी बुरा लगा। अरे लगता है ना सर, तो लग रहा है, और लग रहा है तो वो भी पलटवार कर रहे हैं लालू के राज को जंगल राज कह के। लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे,
कितनी घटनाएं घटती थी, किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, लोगों के शोषण के लिए किस तरह से अपहरण होता था, ये क्या घटना नहीं घटती थी। लेकिन हम लोगों ने कहा था कानून का राज कायम करेंगे, जंगल राज से खात्मा होगा, और हम लोगों ने कानून का राज कायम किया। तो मानिए ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बहस जोरदार है और दोनों की लड़ाई के केंद्र में बेरोजगार है। सरकार चाहे जिसकी बने मगर रोजगार तो मिलना ही चाहिए ना सर, है ना? अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो बिहार में चुनाव है, रोजगार पर तनाव है, ये समझने के लिए आपको देखना होगा कि रोजगार को लेकर जो एक चर्चा पूरे देश में चल रही है, रोजगार को लेकर जो युवा सवाल पूछ रहे हैं, उसी में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि मैं अपने प्रण पत्र में ये प्रण लेता हूँ कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला जो कागज होगा वो 10 लाख नौकरियों का होगा। इधर निश्चय लेकर नीतीश आए हैं। लेकिन श्वेता, अगर मैं राघोपुर की कहानी आपको सुनाऊं तो आप समझ जाएंगी कि किस तरह की बिसात चिराग पासवान भी बिछा रहे हैं। ये सीट 1995 से आरजेडी के झोले में रही है, लेकिन सिर्फ एक बार 2010 में राबड़ी देवी यहाँ से हार गई थी। लेकिन इन सब के बीच इस बार एलजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है राकेश रोशन को, और बीजेपी के सतीश यादव के लिए ये माना जा रहा है कि एलजेपी का कैंडिडेट उतारना तेजस्वी को ही फायदा पहुंचाएगा। यानी अभी भी हमारे साथ कुछ ही देर पहले राकेश रोशन जो एलजेपी के कैंडिडेट है वो आए तो आसपास के सारे लोग कहने लगे कि आप तो इसीलिए चुनाव में आए हैं कि तेजस्वी यादव को आप जिता सके। तो ये राघोपुर की जो कहानी है ये भी अपने आप में बताती है कि हर पार्टी किस तरह से अपनी अपनी गोटियां इस वक्त खेल रही है, और कल बीजेपी जब अपना मैनिफेस्टो लाएगी श्वेता, सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया कि वो इसमें कहते हैं चिराग पासवान की जो पार्टी है वो वोट कठुआ है, तो उस समय बहुत चुभ गई थी ये बात सबको। लेकिन अगर जैसा आप भी बता रही हैं कि लोगों ने इस तरह की चीजें की, लेकिन यानी कि लोग भी समझ रहे हैं इन चीजों को, लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा जहां पर चूज करने की बात आ रही है तो आप नेचुरली आप वोट किसके काट रहे हैं, वो चीज अहम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जीतना तो एक व्यक्ति को है वहां पर। लेकिन अंजना, जिस चीज को हम दिखा रहे थे इस पैकेज के जरिए भी, आपकी रिपोर्ट के जरिए, कि किस तरीके से वो मैनिफेस्टोज, कोई विजन डॉक्यूमेंट नाम दे दे, कोई शपथ पत्र नाम दे दे, कोई निश्चय बता दे अपना, ये सारी चीजें तो एक तरफ होती है। लेकिन मैं अपने कॉलेज गई पटना में, पटना वुमेन्स कॉलेज, और वहां पर मैंने वहां की जो स्टूडेंट्स थी उन लोगों से बातचीत की। मैंने पूछा कि क्या होगा तुम्हारे लिए मुद्दा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सबके लिए हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई करनी है तो बिहार छोड़कर बाहर जाओ, अगर आपको नौकरी करनी है तो आप बाहर जाइए। क्या ये चुनावी मुद्दा होगा, क्योंकि ये वोट पिछले चुनावों में भी डाल चुकी थी लोकसभा के, विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा किसको बना रही है? अंजना दिखाते हैं ये वाली रिपोर्ट, जब मैं गई वहां पर तो क्या कहा इन सब ने। बिहार के चुनाव हैं और इस बार युवाओं का बड़ा बोलबाला है। हम इस समय बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में मौजूद हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज, और वहां हम जानते हैं कि दरअसल चुनावों में युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं और जो चुनाव के मैदान में युवा हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्या सोचता है युवा? अभी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा होना चाहिए इस वक्त, और सबके लिए शिक्षा, जी जी, पूरे बिहार में शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे पहले सोल्यूशन होना चाहिए बिहार में, क्योंकि इस बार हम लोग कोरोना साफ साफ पता चला है कितने बेरोजगार हैं, लाखों लाखों में वर्कर्स जाते हैं, तो यहाँ पे जब फैक्ट्रीज बंद है, मिल बंद है, क्या मुद्दा है बिहार चुनाव? मैम मैं ये सोचती हूँ कि अभी हमारा ये जो इलेक्शन है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये होना चाहिए कि वुमेन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ही जरूरी नहीं, मेल की भी एजुकेशन बहुत, एजुकेशन सबके लिए, क्या मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा का जब हम लोग बात करते हैं तो बस पढ़ाई ही नहीं, मेंटालिटी भी जरूरी होती है, तो कुछ ऐसा कैंपेन लाना चाहिए जिससे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी खुलकर आए लोग सामने। यंग लीडर्स और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, आपकी सोच एक युवा के तौर पर क्या? यंग लीडर्स हमारे बिहार में बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगता है आपको यहाँ से पास आउट करने के बाद बिहार के भीतर नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको लगता है बाहर जाना होगा? जी बिल्कुल जाना होगा, इवन दो हमारे बिहार में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, फिर भी उनको जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो उनको बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमारे बिहार में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? बिहार में अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है,
जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। नो मैम, बहुत कम है, हर एक सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को यहाँ जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए भी बाहर जा रहे हैं और जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है सबको। तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जिस जो नालंदा जहां से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी निकली, चाणक्य जिसको कर्मभूमि अपना बनाकर गए थे, वहां पर युवाओं का अगर एक ही मुद्दा निकल कर आ रहा है कि शिक्षा के लिए हम बाहर क्यों जाएं, शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है और साथ में रोजगार कैसे मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके लिए यहां पर खड़ा हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का अंबार है, ज्ञान का केंद्र है, आज से नहीं पुरातन समय से, ऐतिहासिक समय से अंजना। लेकिन अगर आज भी हम अपना समय याद करें जब नौकरी के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ रहा था, लेकिन समय के साथ क्यों नहीं बदलना चाहिए चीजों को, ये युवा अगर आज पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं रोजगार यहां पर मिल सकता है, तो ये गलत सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि राजनेताओं को चुनावों से परे भी युवाओं की इस परेशानी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आप पले बढ़े हैं, वहां पर मिल जाए, आप अपने परिवार के साथ रह लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि पीढ़ियां राजनेताओं की इसके लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। अंजना, बिल्कुल, और जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आज मैं यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को देखने के लिए, चूंकि मैं राघवपुर सीट पहुंची थी, देखिए 1995 से और उससे पहले भी आरजेडी की झोली में ये सीट गई है, लेकिन 1995 से तो ये लालू यादव के परिवार में सीट रही है। सिर्फ एक बार 2010 में दूसरी पार्टी बीजेपी के जेडीयू की तरफ से तब यहाँ पर सतीश यादव उतरे थे। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में गए, कुछ आम लोगों से भी पूछा, कई ऐसे युवा हैं जो तेजस्वी यादव में नेतृत्व की क्षमता देखते हैं। आइए राघोपुर की अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, क्या सोचते हैं यहाँ के। लालू का लाल जिसे आरजेडी कहती है, उस तेजस्वी यादव के लिए क्या वाकई यहाँ पर इम्तिहान है, ये तो हम लोगों से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1995 से ही ये लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का उनके परिवार के लिए गढ़ रहा है, वो लगातार जीते और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहां से चुनावी मैदान में उतरी और वो भी जीतती रही और फिर पहुंचे तेजस्वी यादव। लेकिन हाँ, 2010 में सिर्फ एक बार यहां से आरजेडी की हार हुई, जब सतीश यादव ने जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को मात दी थी। लेकिन एक बार फिर 2015 की जीत के बाद तेजस्वी यादव यहां चुनावी मैदान में है। और बात करते हैं राघोपुर के लोगों से कि क्या वो तेजस्वी यादव में वो युवा नेतृत्व का क्षमता देखते हैं उसकी, कि वो आने वाले दिनों में बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि एक नया नेतृत्व बिहार खोज रहा है। जैसे नीतीश कुमार को 15 साल का मौका मिला, तो युवा है उनको भी मतलब मौका दिया जाए 5 साल, अगर 5 साल में अगर विकास नहीं करते तो उनको भी जनता चेंज करेगी। ये पूरी रिपोर्ट आप रात 8 बजे देखेंगे राज तिलक में, जब यहाँ से हम इस शो को करेंगे। लेकिन दिलचस्प यही है कि ये पूरी कहानी जो अलग अलग सीटों की है, अगर आप जाएंगे जैसे अब बिहार के चुनाव में अगर आप देखें श्वेता, तो राघोपुरी चूंकि नीतीश कुमार हो और जो अन्य लोग हैं उस तरह से चुनावी मैदान में नहीं उतरते, तो ये एक हाई प्रेस्टीज हाई एक्शन सीट माना जाता है। और यादव फैमिली के साथ जिस तरह का एक पूरा रोमांटिसिज्म, कई 25 साल से यहाँ पर वो पूरा परिवार है जो चुनाव लड़ने आता है, लेकिन इन सब के बावजूद तस्वीर बदलती नहीं है। वही सियासी नारेबाजी के जरिए पूरा माहौल बनाया जाता है, लेकिन तस्वीर पलटेगी नहीं तो बात बनेगी कैसे। नहीं, सही बात है। और देखिए ना, आज लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये हमारी ये जो 7 बजे का शो है हम बिहारी, ये एक युवा स्पेशल बन गया है। तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया, जो युवा हैं वो क्या कह रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में, और चिराग पासवान एक और युवा चेहरा, हालांकि रामविलास पासवान जी के निधन की वजह से वो अभी तक चुनाव प्रचार में उस तरीके से एक्टिव तौर पर नजर नहीं आए जिस तरह से बाकी नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी आगे क्या कर रही है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उनसे अभी तक पूछी जाती थी, लेकिन अब तो आगे उन्हें अपना एक्शन खुद दिखाना है और बताना है कि क्या वाकई उनका वर्चस्व, उनका दबदबा, उनका नाम बड़ा हो सकता है बिहार के इन चुनावों में। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान,
जिन्होंने आज से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया है और विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। चिराग, आज आपने चुनावी प्रचार शुरू किया और विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है, ये क्राउड बता रहा है कि बिहार में आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो शायद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यही जन समर्थन की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है, और मैं बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई इस भ्रम में है कि भैया वो लोग जीत सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, बिहारियों ने इस बार निर्णय ले लिया कि किसी भी गठबंधन को जिताकर बिहार को वो हरवाने वाले नहीं है, बिहार को पीछे नहीं करेंगे, बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है, लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा। और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। आप प्रधानमंत्री की सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि एलजेपी जो है वो वोट कटुआ पार्टी है। अरे भाई, बहुत पुराना सवाल हो गया ये, अभी उन्होंने कुछ नया बोला तो बताओ। लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में जो बात आपने कही है चिराग, वो कैसे पूरी होंगी? आप तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन 243 सीटें हैं, ऐसे में सरकार क्या बहुमत का आंकड़ा तो आप छू नहीं पाएंगे, तो जो विजन डॉक्यूमेंट में चीजें हैं वो कैसे पूरी होंगी? जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ ना, है ना? आपकी खुशी जदयू से ज्यादा सीटों पर लड़कर है? मेरी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जदयू से ज्यादा सीटें जीतूंगा, और उसके बाद जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में ही भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। ये सवाल चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान पर सबसे ज्यादा फोकस इस बार के चुनाव में इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने तरीके से उनसे दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जो उन्होंने उम्मीदवार राघोपुर जैसी सीटों पर उतारा है उसको लेकर नाराजगी है। वहाँ कांग्रेस आरजेडी कहती है कि ये तो उनकी बी टीम है। देखिए आज भी जो तीसरी सूची एलजेपी ने निकाली है उसमें लगभग 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से निकले हैं और उनको एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो दोनों तरफ से वो निशाने पर आ रहे हैं और एलजेपी अपने तरीके से सबसे अपने आप को दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बार नजारा यहाँ का आगे बढ़े, हम उससे पहले दिखाना चाहते हैं, श्वेता एक बार दिखाइए। यहाँ पर तो कोरोना किसी को याद नहीं है, आप सबसे कह रही हूँ गमछा लपेटिए, मास्क पहनिए और थोड़ी दूरी बनाइए एक दूसरे से। आप लोग गमछा पहनिए, मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। कम से कम इतना तो तय है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक हमने यहाँ पर आज तक के मास्क भी सबको बांटे हैं, सभी को आज तक के मास्क हमने बांटे हैं। श्वेता देखिए आज तक का मास्क अभी हम दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मास्क पहनिए, दूरी बनाकर रखिए, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। श्वेता, हाँ नहीं, कहीं कहीं तो गांव में लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना जैसी चीज तो है ही नहीं। कुछ लोगों ने तो मुझे ऑन कैमरा बोला कि हमारी जाति को कोरोना नहीं होता है। ये चीज है, ऐसा जो एटीट्यूड है वो किसी के भी काम नहीं आ सकता है क्योंकि ये बीमारी, देखिए हो सकता है कि आप फिट हो, यंग हो, आपको ना लगे, लेकिन आपके जरिए हो सकता है किसी बुजुर्ग को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसको और भी बीमारियां हो उसे लग जाए। इसीलिए इस बीमारी की कड़ी को तोड़ना होगा। लेकिन अंजना, जिस तरह की चीजें चिराग पासवान भी बोल रहे थे और जो आप भी जिक्र कर रही हैं कि कौन बीजेपी से छोड़कर एलजेपी में गया हुआ है, उन्हें टिकट मिल गए हैं, तो ये सारी चीजें बड़ा घालमेल है। बिहार की राजनीति का ये एक ऐसा पहलू है जो यहाँ के वोटरों को भी पसंद नहीं आता कि किसी गठबंधन को आप वोट दीजिए, सरकार किसकी बन रही है या कौन सा व्यक्ति आपका विधायक है और अगली बार अचानक किस पार्टी से वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो बिहार के चुनाव में बिल्कुल अलग माहौल सजा देती है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे फोक आर्टिस्ट हैं जो निकले हैं और जिन्होंने देश की राजनीति में एक तरह से अपनी जगह बनाई है। लेकिन उस सब के बीच जो एक रंगारंग मुकाबला चल रहा है, चाहे वो नेहा राठौर जो बिहार में काबा पूछ लेती हैं या फिर खेसारी लाल यादव जो कि यहाँ के सबसे नंबर वन एक तरह से पॉप स्टार इस समय हम कह सकते हैं, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी और वो आरजेडी के लिए यहाँ पर एक दो जगह पर प्रचार कर रहे थे, मनोज तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी के ही हो गए सांसद। इसी तरीके से जो आमने सामने से जो बातें चल रही हैं सुरीले अंदाज में, ये रंगारंग चुनाव का ये समारोह जरा देख लीजिए। बिहार जकर माता में सजेला, जनहित के खातिर जे पल पल जियेला। हमका बहुत लूटे भैया, तुमको बहुत लूटे भैया। आलाप है फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बना हुआ है भैया। ते
तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगे राग है हमने सपने टूटे भैया अब तो दम ही टूटे भैया धुन है इस जन्म का बैरी हमका कर दिए हो राजा सरगम है और चुनावी सियासत इस युद्ध में जनता के साथ सत्ता के इस युद्ध में संगीत भी शस्त्र बना हुआ है ऐसा शस्त्र जो जनता को मोह सके बीजेपी की ओर से उनके प्रचार का गीत मनोज तिवारी ने गाया है इस गीत में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की बात है नरेंद्र मोदी जी के संग मिलके लोगों से मनुहार है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पे बिहार में सरकार बनाए नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावाए भैया फिर से एनडीए के संग कदम बढ़ावाए भैया भैया तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगे बीजेपी के गाने के आने से पहले ही आरजेडी का गाना आ गया था इस गाने में तेजस्वी ही तेजस्वी छाए हुए हैं गीत के बोल में तेजस्वी गीत के वीडियो में तेजस्वी गीत के संदेश में तेजस्वी भैया तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगन और तेजस्वी भव बिहार का संदेश जिस रोज तेजस्वी यानी आरजेडी का प्रचार गीत लॉन्च हुआ उसी रोज कांग्रेस ने भी अपना प्रचार गीत लॉन्च किया इस गीत के मूल में सीधे सीधे नीतीश सरकार को कोसा गया है हम तो लोग हैं सीधे सादे तुमने बढ़ चढ़ किए थे वादे गीत के बोल में बताया गया है कि कैसे सृजन से लेकर शौचालय तक की योजनाओं में घोटाला हुआ कांग्रेस ने ये भी बताने की कोशिश की है कि अब की बार बिहार में कांग्रेस की सरकार अब बिहार की जनता इन प्रचार गीतों से कितना प्रभावित होती है वो तो बाद की बात है मगर आज की बात ये है कि बिहार में चुनाव है और प्रचार का गीत बज रहा है लेकिन हमारा पूरा विश्वास बा कि आपके हर वोट कमल के निशान पर जाई एनडीए के जाई आज तक जय बिहार जय जय बिहार तो दिल्ली के चुनाव हो उसमें भले ही भोजपुरी गानों का मजाक उड़ा दिया जाए लेकिन बिहार में अगर चुनाव हो रहे हो और वहां पर गीत न आए तो अजीब सा लगता है लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है अंजना मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव जब थे तब उनके प्रचार के लिए किस तरीके से हिंदी गानों में भोजपुरी बोल भर के बजाए जाते थे लेकिन आज की तारीख में इतने स्टार्स भी हो गए हैं छोटे बड़े सब यूट्यूब के जरिए ये प्रचार कर रहे हैं और बिहार इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बिहार में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है लोग बड़ी खुशी खुशी चाहते हैं कि यहाँ चुनाव आए और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं अंजना बिल्कुल लेकिन इसी के साथ श्वेता सवाल ये भी उठता है कि जो असल मुद्दे हैं उन सब से भटकाकर अब ये वीडियो वॉर चल पड़ा है लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने गाने बजा रहे हैं उनमें अपने अपने बोल भर रहे हैं अपनी अपनी तस्वीरें चुनकर लगा रहे हैं और इसी के जरिए वीडियो वॉर हो रहा है यानी वो मोबाइल जो अब हाथ में है इसी के जरिए हाथों में परोसते रहिए वो तस्वीर जो आप अपनी पार्टी की तरफ से राज्य की दिखाना चाहते हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे आप जनता को कितनी दूर ले जा पाते हैं ये वीडियो वॉर भी मुझे लगता है उस फसाने का एक एक्सटेंशन बनकर ही आया है पार्टियों के बीच में बहरहाल हम बिहारी में आज मेरे और श्वेता के साथ इतना ही